ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक यकम जनवरी 2017 से 2 अगस्त 2018 तक 55 से जायद खवातीन तेजाब गर्दी का शिकार हो चुकी, मगर महज 25 की FIR दर्ज की जा सकी। नाज़रीन, बच्चे की वालदा और अबू से बात करने के बाद बच्चे का भाई भी यहाँ पर मौजूद है। तेजाब गर्दी के इस किस्म के वाकयात का बढ़ना इंतहाई तशवीशनाक है और खसूसन रिश्तेदारों की जानिब से ये इकदाम उठाना। आखिर तेजाब इस तरह से बेचने पर भी पाबंदी आयद की गई है और कानून साजी जब हुई उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस पर पाबंदी आयद की, लेकिन मसला कहाँ पर है, आखिर कहाँ से मिला उसे तेजाब, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अब केस जो है वो चल रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से तआवुन जो है धमकियाँ जवाब उन्हें दी जा रही हैं, इसका मुदावा भी होना चाहिए। धमकियाँ भी दी जा रही हैं, धमकियाँ भी दी जा रही, कोई बात ही नहीं सुन रहा, कह देते हैं आज करते हैं कल करते हैं। 18 तारीख का वाकया अभी तक पकड़ा नहीं गया, क्यों नहीं पकड़ा गया ये इनसे पूछा जाए, क्यों नहीं इनसे पूछते, हम पागल हैं। इधर कॉल आती है तो वो कहते हैं नंबर सेंड करें, इस तरह करें, क्या करें, मुर्जिम को हमने पकड़ना कि इन्होंने पकड़ना। नहीं, आपने नंबर दिया जिस नंबर से धमकी आती है, नंबर दिया है, ट्रेस किए, कर रहे हैं आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, कोई कहता है वो उधर से ऐसे ही आ जाता है, नंबर सेंड हो जाता है इस्लामाबाद से, किसी बात से होगा ऐसे होगा, बातें नहीं सुनते, उनको इस तरह बैठाया होता था जैसे वो घर में बैठे हैं। तफ्तीशी ने, हाँ जी उन्होंने, कौन था तफ्तीशी, नहीम भट्ट, नहीम भट्ट ने उसको कुर्सियों बिठाया होता, वो ऐसे अंदर बैठे होते, रोटी कपड़ा जूती हर चीज उनको मिलती थी, इस तरह हमने इधर लाहौर के राशीन इधर हमें नहीं कुछ मिलता जैसे उनको मिलता था प्रोटोकॉल, उनको अगर कहते थे मारो थप्पड़ मारे तो कोई ऐसे मारते थे जैसे फूल मारते हैं लड़कों। तो आप समझते हैं कि पुलिस तावन नहीं कर रही? नहीं तावन कर रही। इंसाफ कैसे मिले? इंसाफ अगर नहीं दे सकते हमें साफ बात करें, फिर हम खुद इंसाफ कर लेते, कानून को फिर खुद हाथ में ले लेते। नहीं तो आपको यकीन नहीं दारों पे? दारों पे यकीन है तो फिर हमें इंसाफ चाहिए, फिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? ये आज तारीख क्या है, 12 तारीख हो गई, 18 तारीख का वाकया है, 13 तारीख है, क्यों नहीं इंसाफ, महीना हो गया, एक महीने में इंसाफ नहीं मिला, इस वजह से आपका यकीन? बिलाल है जो इंसाफ, वो जमानतें हो गई हैं उसकी, उसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, जैसे अदालत में आए उसे पकड़ना चाहिए, सजा देनी चाहिए, वो जमानतें करा रहा है, इस तरह जैसे मर्जी किसी की बेटी के साथ कर ले तो उनको जमानतें हो जाएंगी उनकी। ये इंसान को खुद सोचना चाहिए, दिल में रहम आना चाहिए, हमारी भी बेटियां हमारी भी बहन है, हमें इनको इंसाफ दे। शादी की थी बहन की तो उस वक्त पता था आपको कि ये लोग ऐसे हैं? हमें ये चीज का नहीं पता था, एक बार मैंने भेजा था, इसने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम उठा के कह रहा हूँ मैं कोई जुल्म नहीं करूँगा, पीछे बात कोई नहीं रह जाती, जब बच्चों की कसम उठाई मैंने भेज दिया, फिर जुल्म किया, मैं कह अब नहीं भेजना। एक बार जुलम होता है, दो बार इन्होंने अखीर कर दी जुलम की। मारते थे पहले? मारते थे, एक बार पेट्रोल फेंक के आग लगाने लगे थे उधर बाबर नगर में अपने घर में। तो उसके बाद आपने कोई बड़े लोग नहीं डाले बिरादरी के, उसके गांव के या आपके? उनकी बिरादरी जाहल है, सब जाहल, किसी को पता ही नहीं है, बैठने उठने का पता ही नहीं है, किसी को बात करने का ही नहीं पता, लफंडर है किसी चीज का। रिश्ता किया तो उस वक्त नहीं देखा आपने? वो रिश्ता जिन्होंने करवाया था हमें बताया था, इस तरह जब लेने की बारी आती है ऐसे कह देते हैं इस तरह कर देंगे, इस तरह जब ले लेते हैं बाद में जलील करते हैं। हम अपने मुआशरे को कम तालीम याफ्ता गैर तरक्की याफ्ता कहने पर जरा सी आर महसूस नहीं करते, मगर दूसरी जानिब तेजाब गर्दी दुनिया भर में एक अहम मसला है। दुनिया में तेजाब गर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात बांग्लादेश में रिपोर्ट हुए। एक तरफ बरतानिया में एक साल में तेजाब गर्दी के 398 वाकयात हैं, तो दूसरी जानब पाकिस्तान में 13 साल में तेजाब गर्दी के 513 वाकयात हैं। एक तरफ पाकिस्तान में इन वाकयात में 50% कमी वाकई हुई और बरतानिया में 2 गुना इजाफा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में लंदन में तेजाब फेंकने के वाकयात में 6 गुना इजाफा हुआ, जिसके मुताबिक 2012 में तेजाब फेंकने के 70 वाकयात पेश आए, लेकिन 2017 तक इन वाकयात की तादाद बढ़कर एक साल में 465 हो गयी।
अमरीकी टीवी की खबर में बताया गया कि लंदन इस वक्त दुनिया का ऐसा शहर बन चुका है जहां तेजाब से हमले के वाकयात सबसे ज्यादा रूनुमा हो रहे हैं। इन हमलों का निशाना बनने वालों में 72% मर्द हैं और तेजाब फेंकने वालों में 75% अफराद की उम्रें और उन हमलों का निशाना बनने वालों में 60% लोगों की उम्रें 10 से 29 साल के दरमियान है। अब इंसाफ चाहिए, हमें जिधर से मर्जी इंसाफ चाहिए। पुलिस ने भी दसिया? हाँ जी, ग्रीन टाउन असी तलाह भी देती है, दरखास्त भी देती है, और साढ़े तो अंबल ही नहीं सर हो रहा। मैंने तो इस गल की नहीं समझ आ रही, असी हर चीज के कल्पने पे सर, साढ़े को न्याय लैके दो, कोई इंसाफ नहीं सर। पुलिस ने उन दो बंदे तो पकड़े? हाँ जी सर, दो जाके बच्चे नाल भेजे, दो बंदे फड़ा के लिया, दोबारा उन्होंने जेल च भेजता, कहने पूछो, कोई कुछ भी नहीं हो रहा सर। ये अदालत से चला गया ना मामला? हाँ जी, एक दिन सर जमानत करवाई जी, तो एक फड़ी जाए नहीं, और धमकियां ला रहे सानू बाहर, हले भी धमकियां ला रहे? हाँ जी, हले भी ला रहे। तीन दिन का, छे महीने नहीं पाए। तुसी मुतमईन हो जिहड़ा पुलिस कार्रवाई कर रही? की कह सकने हैं, तेरा अतवार भी अल्लाह पाक वेखदा है जो भी कर रहा है, असी कुछ भी नहीं कह सकते। असी तो यह कहने पे हाँ, पुलिस से या तुसी कोई भी है, बस अल्लाह भी देखता पाया है, नाले तियां दे काम आ, बच्चे किसी की भी है, धी तो धी है, बच्ची तो बच्ची है। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नहीं हो रहा। इन्ना होना चाहिए, मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे सामने फैर मारने चाहिए, तेजाब होना दोवों के उत्ते, तेजाब सिर तो लग के पैर तरा कर, नहीं तो उन्होंने पंजा भैनां बनिया। इवें तेजाब पाया जाए तो सड़क के उत्ते नंगिया किया जाए, जिस तरह मेरी बेटी ने बुरखियां दे विच किया है, मेरी बेटी छोटी के उत्ते भी सुटिया है, धमकियां लाइया, ताड़ा जीना हराम करांगा, ताड़ा सारे नहीं छ सानू सुकून उस टाइम मिलेगा जिस तरह साडी बेटी नाल होया उन्हां नाल होवे। मुंह तो छुपाना पड़ेगा, अगर खुल मुखला तो हम नहीं बता सकते। जुर्म किया है, शर्म तो आता है ना। कपड़े इस किस्म के पहन रही थी कि जैसे आप समझ लो कि फैशन या वो बेउदा किस्म के कपड़े, जिससे इंसान का जिस्म डांपा ना जाए, नज़र आ रहा हो। लेकिन मल्ले वाले, बिलादरी वाले, हर बंदा मुझे ना आके वो बेइज्जत कर रहा था कि तुम बगैरत हो चुके हो, तुम अपनी वाइफ को मना नहीं कर रहे हो। फिर हम ताना नहीं सुन सकते। ताना ऐसी चीज़ होती है कि आदमी या खुदकुशी कर ले, अपने आप को मार ले, या उसको मार दे। इससे फिर मुझे एक दिन ऐसा किया कि इसे मैंने बहुत मारा है, फिर हम रजनामे के लिए गए हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद से वो बाज नहीं आई है। फिर उसके ना ऐसा ऐसा काम किया, उसने अपने बाल कटा दिए हैं। जब बाल मैंने कटाया ना, फिर मैंने उसके ऊपर, मैंने कहा अच्छा तू ना किसी और के पास भी जाएगी तो ना जिंदा रहे, मैं तो तेजाब फेंकता हूँ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 31,000 से ज़ायद ख़वातीन लुक्मा अजल बन चुकी हैं, जबकि मुतअद्दिद मजदूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये लड़का वहाँ पर आया तो इसने बोला कि मेरे से शादी करोगी? मैंने कहा मेरे को शादी नहीं करनी, मैं अपना कमाऊंगी, अपने बच्चे को खिलाऊंगी। तो उस लड़के ने बोला अगर शादी नहीं करोगी तो मैं किसी और के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, उसने मेरे चेहरे पे फेंक दिया। मेरे हस्बैंड ने बताया ठीक है, तो मैं सो रही थी तो अम्मी के घर में आया इस तरह, तो उसने मुझे जला दिया। मैं एक रात सो रही थी, उसने तेजाब फेंका, मेरे चेहरे पर नहीं था लेकिन मेरे कांधे पर था। फिर उसने जब 1 साल बाद फेंका, वो मेरे चेहरे पे गया था, वो रिश्ते की वजह से फेंका था ना। उस वक्त 13 साल की थी जब मेरे साथ अटैक हुआ है। उससे पहले जो मेरे स्कूल टीचर और उसके फ्रेंड ने मेरा रास्ता रोका है, तो मैंने साथ जाने से इनकार किया, तो इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब गिरा दिया। तेजाब के फेंकने से सिर्फ खातून का चेहरा और जिस्म ही नाकारा नहीं होता, बल्कि उसके नफसियाती और जहनी तौर पर भी निहायत मुजर असरात मुरतब होते हैं, जिस वजह से वो मुआशरे से तकरीबन मुनकता होकर रह जाती है। सोती हूँ तो लेटती हूँ, मेरी आंखों में वही मंजर घूमता रहता है, और ऐसा लगता है वो आ गया चेहरे पे फेंकने तेजाब, और
जैसे ना बस दिल डरता रहता है और सो रही होती हूँ ख्वाब में भी वो ही नजर आता रहता है कि इधर खड़ा है उधर खड़ा है मार रहा है छुरी लेके मार रहा है कुछ ना कुछ। यानी कि जब से ये हादसा हुआ अभी तक मैं सुकून की नींद नहीं सोई, मुझे वो नजर आता है लाजमी। कानून साजी के बाद उस पर अमल दरामद के हवाले से किस किस जगह पर कमी और कोताही का सामना है? जो कानून मौजूद है उसके तहत जो एसिड फेंकने वाला है, जो तेजाब गर्द है, उसको क्या सजा है? जी उसके वो 14 साल तक उसको हो सकती है और 1,000,000 तक उसको जुर्माना हो सकता है।